गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज सागर शिवदेकर वंस अगेन। और दोस्तों आज जो है अभी घड़ी में टाइम बज चुका है 6:45, और इतने जल्दी जल्दी मैं मतलब ब्लॉग करने की इसलिए सोचा कि आज मैं जा रहा हूँ एक जोरदार ज़बरदस्त राइड, जो कि इस साल का सेकंड राइड है ये सेम पैटर्न का, जो कि है शिरडी के लिए। और मेरा जो ट्रिप है वो 1 डे का रहेगा, मैं शाम तक जो है इसको रिटर्न आ जाऊंगा लगभग 525 किलोमीटर्स के आसपास। और इसको एंजॉय करने का है, आज दर्शन लेने का है और बहुत अच्छे से जो है राइड का जो है आनंद उठाने का है। तो आप लोगों को रोड को देखते हुए और सेफ्टी नॉर्म्स को पालन करते हुए हम जाएंगे। वैसे कोरोना तो हो चुका है बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी नॉर्म को प्रॉपर मद्देनज़र रखते हुए लाइट वेट के साथ मैं जा रहा हूँ। लेट्स गो फ्रेंड्स, निकलते हैं, मिलते हैं। अभी कौन कौन रास्ते में मिलेगा, किन किन के साथ, वैसे तो गणेश भाई है, जयेश है, मामा है और कौन अदर फ्रेंड्स है वो भी देखते हैं। चलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रोड्स। एंड पूरा फॉग काफ़ी एरिया में छाया हुआ है और अभी हम लोग जो है अंबाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। नियर अबाउट 35 किलोमीटर जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। दोस्तों अभी हम लोग जो है भिवंडी के ब्रिज के ऊपर पहुंच चुके हैं, मतलब पूरा भिवंडी में एंटर कर चुके हैं। सुबह का मस्त नज़ारा, यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे लोग। तो सभी ये 10 किलोमीटर का पैच निकालेंगे तो हम लोग फिर से NH3 पे लग जाएंगे। ये भी रोड इन्होंने सीमेंट का ही बना के रखा है। ये स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा है क्योंकि तो यहाँ पे बहुत ट्रक्स का बहुत ज़्यादा ही मतलब आना जाना लगा रहता है वेयर हाउसेस की वजह से। जो मुंबई शहर का जितना भी बड़ा जो गोडाउंस है, वेयर हाउसेस है कंपनियों का, वो सब यहाँ पे ही है भिवंडी के एक 10 किलोमीटर के इलाके में। तो वो काफ़ी मतलब यहाँ पे ट्रक्स का काफ़ी दिन भर लगा रहता है, एक दूसरे ऐसा। चलो हाईवे पे पहुँचते हैं। मामा साहब है आगे, पीछे गणेश भाई है। और यूनाइट होके जो मीरा रोड वगैरह और अलग अलग एरिया से जो बंदे आने वाले थे वो सब आ गए हैं। तो हम ये वासिन के आगे जो मैगडी है वहाँ पे खड़े हैं और वहाँ से अभी निकलेंगे और आगे जो है निकल जाएंगे अच्छे से। अभी गाड़ी का रीडिंग 9354। चलो लेट्स गो। यहाँ से कसरा जो है 35 किलोमीटर्स है, तो उसमें हम लोग जो है स्पीड मेरे ख्याल से वही नॉर्मल रखेंगे, अभी डायरेक्ट कसरा घाट पे ही मिलेंगे। चलो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। जल्दी जल्दी क्या, मेरे को जो टाइमिंग है दिन भर में आने का है रिटर्न, तो वही हिसाब से मेरा राइडिंग रहेगा। वैसे ग्रुप के साथ है तो ग्रुप के साथ ही चलेंगे, देखेंगे आधा एक घंटा आगे पीछे। चलो हम लोगों ने कसरा घाट के पहले जो है यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी यहाँ से निकल पड़े हैं। अभी सबसे बेस्ट और सीनरिक आइटम या सीनरिक जगह कसरा घाट जो है वो अभी हम आपको शेयर करेंगे। अभी घाट सेक्शन जो है स्टार्ट हो चुका है, वेरी केयरफुल निकलना चाहिए बट राइडर्स को चलाने का मज़ा कुछ अलग आता है इसमें। तो
ट्रेन जा रही है सामने से, हमारे मालगाड़ी है। काफी ट्रैफिक है यहाँ पे, तो वेरी केयरफुल। वैसे बड़े बड़े ट्रक जाते हैं तो ये सब गड़बड़ होता ही है, तो इसके लिए बहुत मद्देनजर रखते हुए चलाना पड़ता है गाड़ी को। वेरी वेरी केयरफुल। हैवी ट्रैफिक है यहाँ पे अभी फिलहाल। दिस इज द रेडिकुलस थिंग। घोटी का रोड हमने पकड़ लिया है शिरडी की तरफ जाने वाला। यहाँ से 110 किलोमीटर दिखा रहा है और बोलते हैं कि रोड अभी बनाया है, तो वो हिसाब से अभी रोड का क्या स्टेटस है वो समझ में आएगा। आगे तालाब है देख सकते हैं, एकदम मस्त सीनरी है, काफ़ी बड़ा है। मेरे ख्याल से वो भंडारदरा वाला तालाब है, वही है शायद, ये उसका ही एक साइड से ये रहेगा। नहीं नहीं, वो अंदर की तरफ है, सॉरी ये दूसरा वाला है। भंडारदरा तो मैं गया, वो अंदर की तरफ है, होगा दूसरा कोई तालाब, बट अच्छा सीन दिख रहा था। दोस्तों अभी ये सिन्नर के पहले जो घाट है वहाँ पे पहुँचे हैं हम लोग। ये सब देखो पवन चक्की आपको दिख रही होगी, एकदम मस्त नज़ारा है। दोस्तों अभी यहाँ पे जो है गन्ने का रस हमने पिया है, शुगर केन जूस, और उसके बाद वापस अभी 20 किलोमीटर शिरडी रह चुका है यहाँ से। दोस्तों अभी हम लोग शिरडी में एंटर कर चुके हैं और एकदम मतलब नज़दीक नज़दीक पहुंच रहे हैं मंदिर के। मेरे ख्याल से आधा एक किलोमीटर पे मंदिर आ गया है, और काफ़ी मतलब अभी भीड़ कम है। कुछ कुछ होटल खुले हैं बट वैसा रिस्पांस नहीं दिख रहा है जैसे होना चाहिए था या होता है अमूमन। तो हम लोग अभी कहाँ उतरते हैं वो देखते हैं, और उधर से मंदिर के लिए रवाना हो जाएंगे फिर। अभी साई मंदिर के पास अभी हम लोग आए हैं, और फिर से अभी फ़ोटो निकालेंगे, गाड़ी का निकालेंगे, हमारा निकालेंगे। और यहाँ से पूरा सुनसान एरिया है, उतना कोई ज़्यादा भीड़ है नहीं। दोस्तों अभी ये साई मंदिर पीछे दिख रहा है, और साई मंदिर के जो है अभी दर्शन हम करके आए हैं, और अभी गाड़ी है यहाँ पे, हम लोग स्पेशल लाए हैं क्योंकि वो अंदर से फ़ोटो निकाल नहीं सकते, तो चलो कम से कम यहाँ का फ़ोटो ही सही। इसके लिए अभी पूरा ये नज़ारा आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जो है साई प्रसाद के बाहर है, जो अभी हम यहाँ पे जो है भोजन जो है मतलब प्रसाद हमने खाया है, और अभी मामा भी एकदम खाना खा के एकदम जो है एकदम रिलैक्स हो गए हैं, और पवन भाई भी एकदम खाना खा के एकदम इंजॉय कर रही है। इनको ट्रिप बहुत अच्छा लगा है, और अभी दो तीन पॉइंट देखेंगे, एयरपोर्ट देखेंगे, और थीम पार्क देखेंगे। चलो दोस्तों हम लोग जो है अभी ये साई तीर्थ थीम पार्क इधर आए हैं, बट अभी एंट्री वगैरह सब कुछ तो बंद है, सिर्फ साई टेंपल में बहुत लिमिटेड एक्सेस अभी सब चल रहा है, तो बाकी सब का ये सराउंडिंग एरिया
बंद है, अगली बार इसको एक्सप्लोर करेंगे। बहुत अच्छा दिख रहा है, ये जो चक्र जो है वो इतना सुंदर दिख रहा है कि मतलब अंदर क्या क्या रहेगा ये तो हम मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं कितना अच्छा रहेगा। दोस्तों मैं अभी शिरडी से निकल चुका हूँ, बाकी टीम वहाँ पे रुकी है और मेरे को वन डे में आना था इसके लिए मैं जरा, बट आज मैंने जो है थोड़ा सा घूम फिर के ही आराम से ही निकला हूँ। आराम आराम से जाएंगे, कोई घाई तो है नहीं मुझे, 60-70 के स्पीड में जो है मैं आराम से पहुँच जाऊँगा और 5 घंटे का अप्रॉक्सीमेट टाइम लगेगा। पानी वानी पी लेंगे, बीच में हाइड्रेट हो जाएंगे। लेट्स होप अभी अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा, चलते हैं घर में पहुँचते हैं, अगर कुछ दिखाने लायक रहेगा तो ज़रूर दिखाऊँगा बीच में। आपको कुछ शायद नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, ये रोड के जो बीच में लगाया है रेडियम्स के वर्क्स जो किए हैं प्रॉपरली, शायद से नज़र आ रहा होगा या तो नहीं भी, वो बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं इस रोड पे। ऐसे काम करते हैं मुझे पता है इस बारे में, बट फिर भी अभी इस समय मुझे काफ़ी रिलैक्स दे रहे हैं। जो इगतपुरी के लिए जो पहले टोल नाका लगता है उसको क्रॉस कर दिया है, घुटी के बाद जो पहला टोल नाका लगता है, और अभी डायरेक्ट इगतपुरी का घाट लेंगे, कसरा घाट सॉरी, और फिर आगे बढ़ेंगे। टाइम हो गया है 8:41, 8:20 के आसपास जो है मैं वहाँ पे रुका था, चाय तो नहीं पिया, सिर्फ पानी पिया, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है तो हाथ में जो है ज़रा दर्द होता, ऐसे टाइप होता है एठन टाइप का, तो वो क्लियर हो जाए, क्रैम्प्स ना आए, इसके लिए दोबारा फिर वो क्रैम्प शुरू हो जाते तो तकलीफ़ हो जाती है, तो इसके लिए मैंने अभी पानी पिया आधा लीटर पूरा और अभी वापस जर्नी स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी अंबाड़ी वाले रोड से आ रहा हूँ और बीच का जो रोड है पड़गा से अंबाड़ी, पड़गा से पहले वाला, उससे अंबाड़ी की तरफ आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर अभी अंबाड़ी रह गया है और टाइम हो गया है 9:50। ये शॉर्टकट का रूट है बिल्कुल, आप देख सकते हैं, नो बड़ी ऑन द रोड कोई नहीं है, कोई एक का दुक्का आदमी है, वो गाड़ियाँ जा रही है वैसे वो मतलब बाकी एकदम फुल्ली डार्क है, इट्स अ राइड इन डार्क ऐसा हो गया है अभी। दोस्तों अभी जो है 10:31 हो चुके हैं, मतलब 4:10 में मैं विरार के बाउंड्री में इन हो चुका हूँ। अभी घर मेरे ख्याल से सिर्फ 5-6 किलोमीटर समथिंग रहेगा, वो अभी पहुँचते हैं और फिर बाद में इस ब्लॉग को एंड करते हैं। गाइज अभी मैं घर पहुँच गया हूँ और नहा धो के रेडी हो गया हूँ सोने के लिए, काफ़ी थकान तो नहीं बोल सकते, राइडिंग के मज़े के बाद ही एक्चुअली लिटरली थोड़ा अंधेरा रहता है, थोड़ा केयरफुली गाड़ी चलाना पड़ता है, तो इसी नोड पे मैं इस ब्लॉग को एंड करना चाह रहा हूँ। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो पक्का लाइक करो और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ऐसे मस्त मस्त वीडियो मैं डालते रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।